या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमो नमः। जय माता। नवदुर्गा में तीसरी दुर्गा का स्थान माँ चंद्रघंटा को मिला है। माँ चंद्रघंटा नवदुर्गा की तीसरी शक्ति है। माता की तीसरी शक्ति का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर ही अपने कल्याण और सदगति के लिए माता की पूजा करनी चाहिए। आज आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर ही लिखें। जब माँ ब्रह्मचारिणी अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव जी को जीतने के बाद वापस अपने घर पर आई तो उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। शिव जी और माता पार्वती के विवाह का दिन भी आ गया। सब लोग इस बात से बहुत खुश थे कि उनका विवाह भगवान शिव से हो रहा है। वह भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। जैसे वासुकी और तक्षक जैसे भयंकर सांपों को साथ में उनकी माला, कंगन कमर में बंधे हुए और उनकी कानों की बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे, उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वह बहुत ही प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। भोलेनाथ भारत में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी, जो कि पार्वती की माँ है, वह अपने दामाद पर नज़र डालने की उम्मीद से बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए तो मैना देवी बहुत ही हैरान और निराश हो गई। उनका वह स्वरूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत ही अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले कह रहे थे और इन्हीं नारों के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने अधिक उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या फिर सुखद दृश्य नहीं था। माँ पार्वती की माता मैना देवी इस बात को पचाने में असमर्थ थी कि उनकी कोमल बेटी अब अपने पति के साथ इतने आतंकित स्वभाव वाले मनुष्य के साथ कैसे रहेगी। यह सब सोच सोच कर ही मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था। जैसा कि उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हमने देखा था कि माता पार्वती सप्तऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी, फिर भी माता पार्वती ने अपनी पूरी करुणा के साथ अपनी माता मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए माता पार्वती मनाने के लिए गई। देवी पार्वती ने स्वयं को उनके तीखे रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव को सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया। माता के प्रेम पूर्वक आग्रह करने पर भोलेनाथ तुरंत ही इस बात के लिए सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या फिर सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा ही आधा चंद्रमा रहता है, अपने मस्तक पर भी आधा चंद्रमा सजाया था। माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर से हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी।
और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम पूर्वक ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इसी बीच में तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, उसने नवविवाहितों के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जटकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर को सजाने संवारने में लीन थी, जटकासुर अपनी पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश में आ पहुँचा। जटकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ही ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नए सजाए हुए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं पर भी नहीं मिला। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटकासुर के हाथों से हार का सामना करना पड़ता था। भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माँ पार्वती स्वयं चलकर भगवान शिव से मिलने गई। माँ पार्वती ने भगवान शिव से इस स्थिति से निकलने के लिए मार्गदर्शन मांगा। फिर भी भगवान शिव अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय किया। भगवान शिव अपनी साधना में लीन रहे। तब माँ पार्वती को जटकासुर से स्वतंत्र रूप से स्वयं लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी माता ने अकेले ही जटकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। माता गुफा से बाहर निकली और उसने देखा कि आकाश में अभी भी अंधेरा था। चमगादड़ों ने पूरे आकाश को पंखों से ढका हुआ था। तब माँ पार्वती ने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि हे चंद्रदेव, आप युद्ध के मैदान को रोशन करें और उसके लिए आप मेरे मस्तक पर आराम करें। ऐसा कहने पर चंद्रदेव माता के मस्तक पर आकर स्थापित हो गए। युद्ध के मैदान में माँ पार्वती की सहायता के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड राक्षसों की ओर दौड़ पड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जटकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई और घंटे को बहुत जोर जोर से बजाने लगी। घंटे की यह ध्वनि चमगादड़ों के लिए असह्य थी। चमगादड़ों ने शीघ्र ही पूरे आसमान को साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक भेड़िए ने जटकासुर को मारा, देवी पार्वती ने जटकासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे कि वह राक्षस एक ही झटके में मारा गया। मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में घंटा लिए हुए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप से महिमा वंडित किया। माँ चंद्रघंटा हमें यह बताती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए देवी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। माँ चंद्रघंटा घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली है। माता शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी और एक रुद्राक्ष माला और कमंडलू उनके हाथों में है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। माता ने नारंगी रंग के कपड़े पहने हैं। माता की पूजा करने से मनुष्य को वीरता और निर्भयता का साहस मिलता है, साथ ही मनुष्य सौम्य और विनम्रता प्राप्त करता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से ही मनुष्य को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, वे दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है, साथ ही कई तरह की मनभावन ध्वनियां भी सुनाई देने लगती है। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय, बोलो अम्बे मात की जय। अब आप सुनिए माता रानी की बहुत ही दुर्लभ कथा। एक बार की बात है, स्पर्श नाम का एक राजा था। वह राजा माँ भगवती का बड़ा पुजारी था। वह दिन रात माँ दुर्गा की पूजा किया करता। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह है कि उसके घर में कोई भी संतान नहीं थी। राजा को संतान का गम दिन और रात सताता रहता। राजा माँ से यही प्रार्थना करता कि हे माँ, मुझे भी संतान दो, ताकि मेरा भी वंश आगे चलता रहे और मेरे भी पितर आदि संतुष्ट हो सके।
माता ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने राजा के स्वप्न में आकर उससे कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें 2 पुत्री होने का वरदान देती हूँ। राजा यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का उन्हें हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और राजा से कहा कि हे राजन, ये कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भी माता भगवती की बड़ी पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम पंडितों ने तारा रखा। थोड़े ही समय के बाद राजा के घर में वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। जिस दिन दूसरी कन्या ने जन्म लिया वह दिन मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि हे महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि यह कन्या मेरे घर में जन्मी है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया। वे कहने लगे कि हे राजन, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, ये पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक पर लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों कन्याओं ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुक्मन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना है। तुम ऐसा करो, बाजार जाओ और बाजार से जाकर फल ले आओ। रुक्मन ऐसा सुनकर बाजार से फल लाने के लिए चली गई। वहाँ बाजार में उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे और वहाँ पर जाकर उसने अपने पैसों से तो पकोड़े खा लिए और अपनी बड़ी बहन तारा के लिए फल लिए और फल लेकर वह घर वापस आ गई और उसने फल तारा को दे दिए। तब तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लेकर आई। तब रुक्मन ने बताया कि मैंने बाजार में मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा को रुक्मन की बातों पर क्रोध आया और उसने उसे श्राप दिया कि हे दुष्टा, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीच कार्य किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीच की जून पाएगी। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े के रूप में खाती रहेगी। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में उनका एक चेला बड़ा ही घमंडी और तेज स्वभाव का था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में अर्थात एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था कि उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े हुए कमंडल में पानी पीने के लिए उस गाय ने अपना मुंह डाला और उसका सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर ऋषि के उस शिष्य की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने कमंडल का सारा पानी पी लिया है। उसको गाय पर बहुत ही क्रोध आया और उसने गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। गाय लहूलुहान हो गई। जब यह खबर गुरु गोरख को मिली तो वह वहाँ पर कपिला गाय की हालत देखने पहुँचे। जब ऋषि ने कपिला गाय की हालत देखी तो उसने अपने शिष्य को बहुत ही बुरा भला कहा और उसी वक्त उसे आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के बाद ही अपने आश्रम में एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया था जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि अब मैं अपने अपमान का बदला अवश्य ही लूँगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे की खीर में उस सर्प को डाल दिया।
जिसका किसी को भी पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार करके छिपकली बनी थी, उसने सर्प का भंडारे की खीर में गिरना देख लिया। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बहुत ही बुरा भला कहने लगे और उसने छिपकली को कई बातें सुनाई और साथ ही कढ़ाई को खाली करने लगे। जब उन्होंने कढ़ाई खाली की तो उन्होंने कढ़ाई में नीचे एक मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। वहां पर उपस्थित सभी सज्जन और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। इस तरह से सबकी प्रार्थना के द्वारा वह छिपकली उस योनि से मुक्त हो गई। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं है, इसीलिए आप इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा बोले कि लड़की को मारने का बहुत बड़ा पाप होता है, मैं इस पाप का भार नहीं उठा सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा से राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोने चांदी आदि जड़वा देना, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से बाहर निकाल लेगा और आपको हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। इस प्रकार ना ही आपको पाप लगेगा और कन्या भी आपसे दूर हो जाएगी। राजा ने ज्योतिषियों के कहे अनुसार ही किया। संदूक में कन्या को डालकर एक नदी में बहा दिया। वह संदूक नदी में बहता हुआ काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। उस भंगी ने संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया और जब उसने संदूक को खोला तो संदूक में सोने चांदी के अलावा एक अत्यंत ही रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई भी संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को हृदय से लगा लिया और भगवती की कृपा से वह कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी और दोनों पति पत्नी ने प्रेम पूर्वक उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को जब बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर पर साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई, तब रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर में काम करने पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम यहाँ पर मेरे पास आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि रानी जी, मैं तो नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी और एकादशी के व्रत को खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जन्म लेना पड़ा था। जो होना था वह हो चुका है, अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता वैष्णो की सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने रानी से उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णव माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन, जागरण एवं व्रत रखते हैं, साथ ही माता रानी की व्रत कथाएं पढ़ते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक
प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन जागरण एवं व्रत रखूंगी, साथ ही प्रतिदिन व्रत कथा का श्रवण भी किया करूंगी। माता ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने में ही उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन एवं जागरण व व्रत उद्यापन करने का ध्यान ही नहीं रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसको चेचक निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और अपने बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस पर रुको को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं जागरण अवश्य ही करूंगी। माँ भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुको ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पर पधारकर मुझे कृतार्थ करें। तब पंडित जी बोले कि अरे रुको, तू यहीं पर 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तब रुको ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं होता है। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से अपनी कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह बात सुनकर रुको रानी तारा के पास गई और उससे सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडित जी से यह कहने के लिए आई कि महारानी जागरण में आ जाएगी, उस समय सैन नाई वहीं पर उपस्थित था। उसने सब बातें सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर यह सूचना दे दी। राजा को सैन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा का विश्वास था कि महारानी भंगियों के घर पर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उस रात को राजा ने अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे कि उसे रात्रि में नींद नहीं आए। जब रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो रानी तारामती ने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में शामिल हो सकूं। फिर थोड़ी ही देर में राजा को नींद आ गई। तब रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुको के घर पर जा पहुँची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा रानी का कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने के लिए महल से निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन एवं रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठा ली और अपने पास रख ली और जहां पर जागरण हो रहा था राजा वहीं पर पहुँच गया। वहाँ पर पहुँच कर एक कोने में चुपचाप बैठ कर सब कुछ देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएगी तो हम में से कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तब रानी बोली कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता रानी का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की तरफ चली। जब रानी तारामती महल के निकट पहुंची, तब राजा ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और राजा ने कहा कि तुमने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है, इसीलिए अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूँ? तुमने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लेकर आई है उसे खिलाकर अब तू मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए
जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती देवी की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब और गेंदे के फूल, साथ ही कच्चे चावल व सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती के साथ अपने महल को सकुशल व हर्षपूर्वक वापस लौट आया। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या बिना पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और माता पर विश्वास और अधिक बढ़ गया। तब राजा ने रानी से माता रानी के दर्शन पाने की प्रार्थना की। तब रानी बोली कि हे राजन, माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए आपको बहुत बड़ा त्यागी होना होगा। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। राजा के मन में तो देवी के दर्शन पाने की प्रबल इच्छा प्रकट हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। दुर्गा माँ अपने भक्त की ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं उसके अटल विश्वास को देखकर सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र माता रानी के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। राजा हरिश्चंद्र का मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन किया व अपने अपराधों की क्षमा याचना की। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग है जो कि तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। अपनी आयु का सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती एवं रुकमन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। इसीलिए माता रानी की इस कथा को जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का विनाश होता है व उसके घर में अन्न व धन के भंडारे भर जाते हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा होती है माता रानी उसे अवश्य ही पूर्ण करती है। बोलो अम्बे मात की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें।